viewers. Today my next topic is about related to history and the name is Akbar the Great. You know Akbar the Great क्यों कहते हैं? Because of their है ना उनके अच्छे कामों के लिए we call him Akbar the Great, जिनका जन्म 1542 को काबुल में हुआ था. कैसे उनकी मम्मा का नाम क्या था? हमीदा बानो एंड फादर वॉज हुमायूं. जैसे कि आपको पता है कि हुमायूं और शेरशाह सूरी के साथ दो बार युद्ध हो चुका था, इसमें उन्होंने सेकंड टाइम में अपना जो राज्य था वो शेरशाह सूरी से ले लिया था, लेकिन फिर लास्ट में वो हार गए थे शेरशाह सूरी से और उनको जंगलों में अपना जीवन बिताना पड़ा था. तो जंगल में जीवन बिताने की वजह से के दौरान ही उनका जन्म उन्होंने जो है अकबर को जन्म दिया. और अकबर का लालन जो है केयर किसने किया? कमरान मिर्जा, जो उनके अंकल थे, मतलब हुमायूं के भाई और जो अकबर के अंकल थे उन्होंने इनकी केयर की और इनको उनका पूरा उनको फीडअप किया और एक अच्छा वेल ट्रेन्ड पर्सन बनाया. ये कई जगह पे ये बताया जाता है कि ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडी, उनको एजुकेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, लेकिन कई इतिहासकार कई हिस्ट्री सोर्सेज ये बताते हैं कि ही वर गुड इन लर्निंग, उनको याद पढ़ना अच्छा लगता था. He knows all the weapons, जो वॉर से रिलेटेड जितने भी हथियार होते थे वो सारा अच्छी तरह से चलाना जानते थे. एट द एज ऑफ 10, 10 साल की एज में भी वो घुड़सवारी, हॉर्स राइडर और जो एलिफेंट राइडर्स होते हैं ये सब उनको मतलब कावलरी ये सारी वो जानते थे. घुड़सवारी, हाथी में बैठना और हर तरह के औजारों वेपन्स को चलाना अच्छी तरह जानते थे. और साथ ही साथ वो बड़े बड़े जो कुश्ती वाले थे उनसे भी वो लड़के स्किल्स वगैरह की प्रैक्टिस दिया करते थे. ठीक है, तो क्या हुआ कि जो हुमायूं थे 1556 को जब शेरशाह सूरी से अपना राज वापस ले चुके थे तो एक दिन वो अपनी लाइब्रेरी में थे और लाइब्रेरी में की सीढ़ियों से गिरकर उनकी मृत्यु हो गई. ठीक है, तो जब उनके फादर हुमायूं की मृत्यु हुई दैट टाइम ही वॉज जस्ट 14 ईयर. अब 14 ईयर के बाद में इतने कम एज में किसी को तो राजा बनाया नहीं जा सकता. तो एट द टाइम हिज जनरल, किसके जनरल? हुमायूं के जो जनरल थे बैरम खान टुक द पोस्ट, मतलब ऑन द बिहाफ ऑफ अकबर. अकबर को बैठा दिया गद्दी पे क्योंकि उसमें उनके परिवार में बहुत सारी कंट्रोवर्सी होने लगी एंड बिकॉज ऑफ कंट्रोवर्सी अकबर की जगह पे बैरम खान ने जो है पोस्ट संभाला और ही हैड जस्ट सीटेड, उनको बैठा दिया गद्दी पे कब? एट द एज ऑफ 14. और बैरम खान ने पोस्ट ले लिया बिहाफ ऑफ अकबर और सारे डिसीजन जो है वर टेकन बाय द बैरम खान. ठीक, हु वाज बैरम खान? बैरम खान वाज द जनरल ऑफ हिज आर्मी. तो उसके बाद हर डिसीजन जो है बैरम खान ने लेके जब ये कैपेबल हो गए, जब ये 20-22 साल के हो गए तो ही हैज थिंक कि आई एम नॉट कैपेबल, वो अपने आप को अकबर कैपेबल मानने लगे एंड ही सेड दैट I will take all the decision instead of Bairam Khan. उन्होंने कहा बैरम खान अब डिसीजन नहीं लेंगे, मैं सारे डिसीजन लूंगा. तो उन्होंने क्या कि बैरम खान से कहा कि यू गो टू हज, है ना. उन्होंने ढेर सारे अमाउंट दिए, ढेर सारा उपहार दिया, पैसा दिया और बैरम खान से कहा कि आप चले जाओ हज के लिए. और बैरम खान की ही एक बीवी थी जिसका नाम था सलीमा बानो, जिन्होंने जिनसे भी इन्होंने शादी की थी लास्ट में, है ना, क्योंकि उसके जाने के बाद जो है सलीमा बानो की बहुत ज्यादा कंडीशन खराब होने लगी थी तो एज अ प्रोटेक्शन के रूप में उन्होंने उससे शादी की ली थी. तो इतिहास में ये कहा जाता है कि देयर वाज 3 वाइफ लेकिन उनकी रियल में 4 वाइफ थी. किनकी? अकबर की. 3 तो हाईलाइटेड है और एक को उन्होंने जो है सपोर्ट के रूप में शादी किया था. ठीक है, फिर जो जब उन्होंने जीत, है ना, बैरम खान को जब भेज दिया तो हेमू शेरशाह सूरी का एक ही जो है बहुत ही ट्रस्टेड पर्सन था जिसने शेरशाह के बिहाफ में जो है अकबर से युद्ध लड़ना चाहा. क्यों? क्योंकि पूरा जो राज्य था वो हुमायूं के अंडर आ गया था, लेकिन वो हार गया. किससे हार गया? अकबर से. अकबर से हार गया और फिर उसको भी मार दिया गया. और आपको पता है कि अकबर के अंदर क्या क्वालिटी थी? डिफीट हिज आर्मी. वो अपने दुश्मनों को सिर्फ पावर से नहीं हराता था, ही ऑल्सो यूज द माइंड. जहाँ वो बात से सुन जाता था कि काम नहीं हो सकता, काम चल सकता है, वहां वो फाइट करना पसंद नहीं करता था. ही यूज हिज माइंड. तो उन्होंने क्या किया, आपको पता है उनके थर्ड वाइफ का नाम क्या था? जोधा, है ना.
तो जोधा से उन्होंने शादी किया, हु वॉज अ राजपूत, है ना, राजपूत एक प्रिंसेस थी जिनसे उन्होंने शादी की और उनमें से कई लोगों को अपने साथ उन्होंने शामिल किया। ये माना जाता है कि ही हैड गिवन ऑल द हाई पोस्ट, ज्यादातर हाई पोस्ट उन्होंने हिंदू लोग को दिया था, मतलब जो राजपूत की फैमिली से थे या जिनको ये बहुत मानते थे उनको हाई पोस्ट इन्होंने दिया था। उस समय जो है जो इल्म वाले थे, मतलब जो उस समय के कुरान को पढ़ाने वाले थे, वो अपने आप को सुपीरियर मानते थे। बट अकबर है अपोज, अकबर ने कहा नो, ये ऐसा नहीं है, अब जो भी इस्लाम के ऊपर जो भी पावर होगी, जो भी ऑर्डर होगा, वो हमारा होगा, बिकॉज आई एम अबो द इस्लाम, मैं इस्लाम के ऊपर हूँ, मैं संसार में सबसे ऊपर हूँ। तो ऑन द बिहाफ ऑफ दिस थिंकिंग ही हैव एस्टैब्लिश दीन इलाही, मतलब ऐसा घर जहाँ पे सबका सम्मान है। ठीक, फिर आपको पता है कि इन हिज कोर्ट देयर वर 9 जेम्स, तो जो 9 जेम्स थे उसमें 3 वर हिंदू, दैट वाज मानसिंह, तोडरमल एंड राजा बीर, है ना, अकबर बीरबल जिनकी स्टोरी हम लोग बहुत सुनते हैं, देवर दी आल्सो अमंग दैट। उसके बाद क्या हुआ, वो हर रिस्पेक्ट, हर एक रिलीजियंस को रिस्पेक्ट देता था, इसीलिए वो चाहे वो क्रिश्चियन धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम हो, वो हर जगह जाता था और हर जगह सभी का सम्मान करता था। बट कहते नहीं कि इंसान सब जगह जीत जाता है, बट अपने घर में ही अपने पीक पॉइंट से हारा जाता है। तो इनके मृत्यु के बारे में भी कई सारे मिथ हैं। कुछ कहते हैं कि इनका जो एक जहांगीर बेटा था, उसने भी जो इनके सेंट्रल एशिया में जो है अटैक वगैरह करके इनको जो है वीक बना दिया था। और फिर कुछ कहा जाता है कि जो अफगान में इनके एकदम मेन ट्रस्टेड पर्सन थे बीरबल, इनकी हत्या कर दी गई थी, जिससे धीरे धीरे ये सब चीजें इनको बहुत माइंड में हर्ट करती गया, बहुत हर्ट इनको हर्ट करता गया। और जो इनका बेटा सलीम, इनका सलीम जो भी था एक बेटा, वो भी इनके कहने में नहीं था, हमेशा वो नए नए प्लान बनाता था टू किल हिज फादर। और ये माना जाता है कि जब ये इनके पास ऐसी गोलियां होती थी जिससे वो कहीं भी जब किसी से युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे, तो वो गोलियों को खिला देते थे और उनके सामने खुद भी गोली वैसी खा लेते थे, उस गोली में जहर होता था, लेकिन इनको पता होता था कि किस गोली में जहर है और किस गोली में जहर नहीं है। तो वो जो जहर वाली गोली है दुश्मन को खिला देते थे और खुद जो है बिना जहर की गोली खा के उस पर विश्वास कायम करते थे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ था कि एक राजा को जहर वाली गोली देने के बजाय बाय मिस्टेक इन्होंने खा लिया था, तो जिसकी वजह से इनकी डेथ हुई। लेकिन कुछ इतिहास कहते हैं कि बिकॉज ऑफ सलीम, सलीम के जो इतने बैड नेचर की वजह से इन्हें जो है उस गम में इनकी मृत्यु हो गई, और जब इनकी मृत्यु हुई दैट टाइम ही वाज जस्ट 63, है ना। फिर उसके बाद इनकी बॉडी को फतेहपुर सिकरी में, आगरा के फतेहपुर में इनकी जो है मृत्यु हुई थी, और वहां से इनको रोड से ले जाया गया सिकंदरा लाहौर में, जहाँ इनको जो है इनका पूरा टॉम बना हुआ है। ठीक, तो दिस इज द मेन पॉइंट अबाउट द ग्रेट अकबर, जिन्होंने बहुत सारे अच्छे काम भी किए, रोड सड़क बनवाया, मंदिरों वगैरह में भी अपना योगदान किया, और ये जो ट्रेवलर्स आते थे, जो पिलग्रिम्स आते थे, उन पे टैक्स कम कर दिया था, तो कई सारे अच्छे काम किए थे जिसकी वजह से, और इनके अपने डीड्स की वजह से ये आज जो है अपनी हिस्ट्री में, हमारे हिस्ट्री में इमॉर्टल है। ठीक है, तो आज के लिए मैं अपना वीडियो यही स्टॉप करती हूँ। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, थैंक यू।